ईद के एक दिन पूर्व हुए रोड होल्डअप मामले में पूछताछ के लिए 65 साल के बुजुर्ग की हिरासत में बिगड़ी तबीयत के बाद इलाज के दरमियान मौत हो जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजन कस्टडी के दौरान पिटाई से मौत हो जाने का आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। पुलिस के गैर जिम्मेदार रवैये से नाराज परिजनों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया, जिसके चलते सीओ सिटी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तनाव को देखते हुए पूरी चौकी पर कई थानों से भारी तादाद में पुलिस बल लगाया गया है। एसडीएम और सीओ सिटी खुद चौकी पर कैंप कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के थाना खीरी इलाके के सैदीपुर हरैया गांव का रहने वाला कलेक्टर सिंह, जिस पर पहले से गंभीर धाराओं में मामले चल रहे हैं, बीती रात पुलिस कलेक्टर सिंह को पकड़कर चौकी रामापुर पूछताछ के लिए लाई थी। पुलिस की माने तो आज सुबह 6 बजे के करीब उसकी हालत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां से हालत की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जैसे ही इसकी खबर परिजनों को मिली तो पुलिस के प्रति ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी घेर ली और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने लगे, जिसमें सीओ की गाड़ी का शीशा टूट गया, साथ ही कैंपस में खड़ी एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए लखीमपुर खीरी से अनूप कुमार वर्मा की रिपोर्ट।